माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बोलिए जोर से, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी लाओ। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, पार्टी के अध्यक्ष श्री, सभी उम्मीदवार, विधायक गण और विशाल संख्या में पधारे हुए हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हुए छत्तीसगढ़ के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ महतारी की। यहां बिलासपुर और जांजगीर चंपा के भी हजारों साथी यहां आए हैं। आप सभी को भी इस प्रधान सेवक का प्रणाम। ये दाऊ कल्याण सिंह की धरती है, कबीर पंथ का सबसे बड़ा दामाखेड़ा धाम, सनातनी समाज के सबसे पुण्य धाम गिरदौ परिख भी यहीं पर है। ये शहीद वीर नारायण सिंह की धरती है, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। सामाजिक समरसता और राष्ट्रवाद से ओतप्रोत इस मिट्टी का मैं वंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, छत्तीसगढ़ की धरती ने भाजपा को हमेशा भरपूर प्यार दिया है। 2014 में आपके समर्थन की वजह से ही मैं दिल्ली पहुंचा और दिल्ली में बड़े बड़े फैसले ले पाया, बड़े बड़ों से टकरा पाया। इस समर्थन के लिए और 5 साल तक डट करके मेरे साथ खड़े रहने के लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अब 2019 के इस चुनाव में मैं फिर से आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। साथियों, ये चुनाव केवल दल चुनने, सांसद चुनने, सरकार चुनने के लिए सिर्फ सीमित नहीं है। ये नए भारत की भूमिका तय करने वाला चुनाव है। तेजी से बदलती दुनिया में भारत का दम कैसा होगा, भारत की प्रतिष्ठा कैसी होगी, इसका फैसला आपको 23 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबा करके करना है। आज भारत पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करता है,
क्या कभी ये किसी ने मुमकिन किया क्या? अब किसने मुमकिन किया? किसने इसको किया? आज भारत एयर स्ट्राइक करके आतंकवादियों को घर में घुस करके मारता है। ये किसने किया? किसने किया? किसने किया? आज भारत अंतरिक्ष में भी मिसाइल दाग सकता है और दुश्मन के सैटेलाइट को 3 मिनट में गिरा सकता है। 3 मिनट में। ये किसने किया? जी नहीं, आपके सारे गलत जवाब। मैं सही जवाब बताऊं? सही जवाब बताऊं? ये सब मोदी ने नहीं किया है, ये आपके एक वोट ने किया। ये आपकी वोट की ताकत है जो दुनिया में देश को एक शक्ति के रूप में उभार रहा है। 2014 में जो आपका एक एक वोट मोदी के खाते में आया, उसी का परिणाम है कि देश आज तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अब 2019 में आपका दूसरा वोट छत्तीसगढ़ और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। भाइयों और बहनों, देश भर में भाजपा के पक्ष में जो लहर है, उससे कांग्रेस और उसके महामिलावटियों की नींद उड़ गई है। बौखलाहट में ये मुझे कैसी कैसी गालियां दे रहे हैं, किस तरह अपमानित कर रहे हैं, ये सारी बातें हिंदुस्तान का हर मतदाता देख रहा है, आप भी देख रहे हैं। अब मुझे बताइए, इस सभा में इतनी भीड़, और मुझे बताया दो दो घंटे से लोग आए हुए हैं और ऐसी गर्मी में आए हुए हैं, ये नजारा जैसे जैसे उनको पता चलेगा गालियां बढ़ती जाएगी। अगर पहले छोटी गाली दी तो बड़ी गाली देंगे। साथियों, ये लोग हर रोज हर हद पार कर रहे हैं। इनका कहना है कि जिसके भी नाम में ये बोल रहे हैं साहब, जिसके भी नाम में मोदी लगा है, वो सारे चोर है। ये कैसी राजनीति है भाई? ये कौन सी राजनीति का स्तर है? इन्होंने तो एक पूरे समाज को चोर बोल दिया, और वो भी सिर्फ तालियां बजवाने के लिए। आपके इस चौकीदार को नीचा दिखाने के लिए। ये मानसिकता है सल्तनत वाली मानसिकता, जो हर वंचित पीड़ित शोषित समाज को इस प्रकार की हीन नजर से देखता है और वे इसे अपना गुलाम समझता है। भाइयों और बहनों, आज नामदार ने मोदी को गाली दी,
कल आदिवासियों को दे सकते हैं, परसों किसी और को। हमारे आदिवासी पहनावे का ये लोग खुलकर मजाक उड़ाते ही हैं। जो भी इनके परिवार को, इनके वंशवाद को चुनौती देगा, उनको ये इसी तरह गालियां देते हैं। साथियों, सच्चाई ये है कि जब पूरे पूरे पिछड़े समाज को, आदिवासी समाज को ये गालियां देते हैं, तब खुद की स्थिति कभी देखते नहीं है। नामदार परिवार में ज्यादातर लोग भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पर है। और वो अब तो मुख्यमंत्रियों को भी पसंद करते हैं, तो उसका क्राइटेरिया जमानत होता है। जो जमानत पे आते हैं उन्हीं को पसंद करते हैं वो। और मैं हैरान हूं, ये जो यहां साहू समाज है हमारे छत्तीसगढ़ में, अगर ये लोग गुजरात में होते तो उनको मोदी कहते। राजस्थान में होते तो राठौर कहते, साउथ में होते तो बनियार कहते। क्या सारे मोदी चोर है क्या? ये क्या भाषा बोल रहे हैं? सोचिए, वो कांग्रेस जो देश के ईमानदार टैक्स देने वालों को स्वार्थी बताती है, लालची बताती है, उसके खुद के नामदारों पर करोड़ों करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का केस चल रहा है। साथियों, आपका ये चौकीदार देश के गरीबों को अपना पक्का घर देने में जुटा है। वहीं इस नामदार परिवार के लोग देश विदेश में बड़े बड़े बंगलों, बड़े बड़े फार्म हाउस का खेल खेल रहे हैं। इतना ही नहीं, आजादी के समय इन लोगों को अखबार निकालने के लिए जो बड़ी बड़ी जमीनें दी गई, उसमें भी हजारों करोड़ रुपए का घोटाला करके ये आज मौज कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, जमानती नामदारों का खेल इतना ही नहीं है, ये देश की रक्षा सुरक्षा में भी दलाली खाते हैं। बॉफर्स घोटाला याद है ना आपको? याद है कि नहीं है? भूल तो नहीं गए ना? हेलीकॉप्टर घोटाला तो अभी कुछ ही साल पुराना है। इस घोटाले के राजदार को ये मोदी विदेश से पकड़ करके ले आया और दिल्ली की जेलों में बंद किया। अब ये राजदार को जो मैं पकड़ के लाया हूं, ये मामा सारे राज, नए नए राज उगल रहे हैं। एक तरफ मामा की जुबान चल रही है, दूसरी तरफ भांजे मैडम जी का दबकारा भड़क रहा है। साथियों, नामदारों के कारनामों की लिस्ट यही खत्म नहीं होती। हाल में एक और बड़ा कांड कर डाला है, तुगलक रोड चुनाव घोटाला। तुगलक रोड क्या है आपको पता है क्या? पता है? यार अखबार वाले छापते नहीं होंगे शायद, मैं बताता हूं। दिल्ली में
कांग्रेस का एक बहुत बड़ा नेता तुगलक रोड पर रहता है। इस तुगलक रोड का चुनाव से क्या लेना देना है आपको पता है? मैं बताता हूं, तुगलक रोड के घर से चुनाव में खर्च के लिए सैकड़ों करोड़ इधर से उधर किए गए, छोटी मोटी बात नहीं, सैकड़ों करोड़। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सुनकर आप कांग्रेस के पंजे की असली सच्चाई आपको पता चल जाएगा। साथियों, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने गरीबों के बच्चों को उन्हें कुपोषण से बचाने के लिए, उन्हें खाना देने के लिए, गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए जो करोड़ों रुपए भारत सरकार ने भेजे थे, इन लोगों ने इसमें से भी मार लिया। क्या बच्चों का निवाला छीन ले ऐसे लोगों के पाप को माफ करोगे क्या? गर्भवती माता का निवाला छीन ले ऐसे लोग पापी है कि नहीं है? इनको सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और अभी तो सत्ता में आए कुछ ही महीने हुए हैं और ये पाप शुरू किया है और रंगे हाथ पकड़े गए हैं। कांग्रेस की एक एक रैली पर, एक एक होर्डिंग पर भूख से बिलकते किसी गरीब बच्चे के, किसी आदिवासी बच्चे के आंसू उसमें से टपकते हैं। भाइयों बहनों, जो गरीब महिला, आदिवासी महिला पौष्टिक भोजन के इंतजार में अपने होने वाले बच्चे की सही से देखभाल न कर पा रही, उसकी गुनहगार है कांग्रेस, उसकी गुनहगार है, इसकी गुनहगार है, इसकी गुनहगार है कांग्रेस ने गरीब से मुंह से निवाला छीन लिया है। गर्भवती महिला के बच्चे के जीवन को संकट में डालने का पाप किया है। चुनाव के अपने गलत खर्च निकालने के लिए, काला धन जुटाने के लिए कांग्रेस ने गरीबों के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। लेकिन मैं भी चौकीदार हूं, देश को ये भरोसा दिलाता हूं कि मासूम बच्चों के, गर्भवती महिलाओं के, इन गुनहगारों को सजा दिला करके रहने वाला हूं। भाइयों और बहनों, वही आपका एक चौकीदार पूरी ईमानदारी से आपका जीवन, देश के आदिवासियों का जीवन, सामान्य मानवी का जीवन आसान बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। हमारा संकल्प साल 2022 तक हर बेघर को का घर देने का है और ये वादा मोदी का है। 2022 में मेरे से हिसाब मांग लेना, मैं देश के उन सब परिवारों को पक्का घर दूंगा जिनके पास अपना घर नहीं है। हम हर गरीब बहन के घर पर गैस कनेक्शन हो,
हर घर में बिजली हो, शौचालय हो, इस प्रकार का मकान होगा, सिर्फ चार दीवारें नहीं होगी। हमारी सरकार ने किसानों के खाते में, उनके बैंक खाते में 75,000 करोड़ रुपए सीधे जमा कराने की योजना भी शुरू की है। हम सभी चौकीदारों को इस बात को और मजबूती देनी है। आप कमल के निशान पर बटन दबाए गए तो आपका हर वोट मोदी के खाते में जाएगा। भाइयों बहनों, आप मेरे साथ एक संकल्प लीजिए और एक नारा लगाइए। मैं कहूंगा, उसके बाद आप बोलिएगा, घर घर में है चौकीदार। क्या बोलेंगे? ऐसे धीरे धीरे नहीं बोलते, तो छत्तीसगढ़ है। घर घर में है चौकीदार, घर घर में है, घर घर में है चौकीदार, घर घर में है चौकीदार। तो मैं नारा बुलवाऊं, आप बोलेंगे, आपको बोलना है घर घर में है चौकीदार। तो ये सारे जो बेईमानी करने वाले हैं ना, वो आज रात को सो नहीं पाएंगे। इतनी ताकत से बोलना है, बोलेंगे, भ्रष्टाचार्यो होशियार, भ्रष्टाचार्यो होशियार, भगोड़ों पर कानून की मार, बंद हुआ काला कारोबार, देश द्रोहियों पर कड़ा प्रहार, आतंक पर हो आखिरी वार, दुश्मन हो जा खबरदार, घुसपैठिए भागे सीमा पार, टूटेगी जात पात की दीवार, वंशवाद की होगी हार। ये आपका मिजाज छत्तीसगढ़ में सबकी सब सीटें जिताएगा। आपका कमल मोदी के खाते में जाएगा। मेरे साथ बोले, भारत माता की। दोनों मिट्टी बंद करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।